इत्तेफाक की बात देखो, तिवारी जी भी मनाली जा रहे हैं। तो भाभी जी मनाली जा रही हैं। अरे दया, भरपूति जी कहाँ चले गए? हाय दया, ये तो पड़े पड़े बिलबिला रहे हैं। आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं बताते कि विभू को प्रॉब्लम क्या है? इनके पूरे दिमाग में गर्मी घुस गई है और जल्दी इनको किसी ठंडी जगह पे ले जाने की जरूरत है। मतलब जैसे मनाली। मनाली का प्रोग्राम कैंसिल हो गया? इसका मतलब वो ग्रूमिंग सेशन कानपुर में होने वाला है? हदया, हो गया। इसका मतलब हम मनाली नहीं जाएंगे। मतलब आपके पैर में चोट लग गई है तो आप भाभी जी का भी जाना कैंसिल कर रहे हैं? पूरा प्लान चौपट हो गया। कहाँ चले गए सुबह सुबह? मैंने इतना मना किया था कि तबीयत खराब है, बाहर मत जाओ, लेकिन ये साहब हैं, इनके तो पैर घर में टिकते ही नहीं। Hey, Anu darling, good morning. Vibhu, good morning गया भाड़ में। मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। But darling, I'm perfectly, absolutely fine. I'm fit, man. और ये तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? डॉक्टर साहब ने साफ साफ कहा था कि तुम्हारे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। गर्मी घुस गई थी लेकिन अब निकल गई बेबी। मैं एकदम फिट हूँ, परफेक्टली ऑल राइट हूँ। 12 किलोमीटर जॉग करके आ रहा हूँ। लुक एट मी मैन। क्या कह रहे हो? हाय सर, बट मारेगा क्या? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स डार्लिंग, ऑफ कोर्स स्वीटी, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। हाँ लेकिन तुम तो मनाली जा रहे हो। बेबी, I think we should cancel it. Because अब मैं फिट हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, मुझे कानपुर की हवा सूट कर रही है। बेटा, तुम्हें मेरी कसम सही बताओ? Darling, तुम्हारे कसम, बस। चलो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ अकेले। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता डार्लिंग। अब तो तुम तंदुरुस्त हो, एकदम फिट हो। एकदम, look at this, एकदम। अच्छा सुनो, जाके किचन में ना बर्तनों का ढेर लगा है, धो दो। क्या हुआ, मुंह क्यों बना रहे हो? तुम तो फिट हो ना, चलो जाओ। चलो गुड बॉय। कई बार ये साला नाटक भी ना भारी पड़ जाता है। अरेगा भाभी जी, हम लाके वे ये भी धो देना। याद राम का लौंडा ना? ए, सुन, ए, ए, सुन, ए। भाभी जी घर पर हैं? आए, आए। अरे तिवारी जी, आप क्यों आ गए? आपने क्यों तकलीफ की? आपके पैर में इतनी चोट लगी हुई, ध्यान से। अरे भाभी जी, आपके दर्शन में कैसी तकलीफ, बल्कि आपके दर्शन हो जाते हैं तो सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। क्या तिवारी जी, आप भी? हाँ भाभी जी, हम भी। लड्डू के भैया, अरे लड्डू के भैया, ये लीजिए, दूध के साथ इलेक्ट्रिशियन का गोली। हैं? इलेक्ट्रिशियन का गोली? अरे वो कैल्शियम होता है अंगूरी। सही पकड़े हैं। नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। अरे क्यों तिवारी जी, दवा नहीं खाएंगे तो फिर ठीक कैसे होंगे? चलिए खाइए भाभी जी। वो तिवारी जी, खाइए ना दवा, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आप कहती हैं तो खा लेते हैं। भाई अनु, बर्तन धुल गया, बताओ क्या छाड़ा दूं दोपहर? भाभी जी कैसी हैं आप? हम ठीक बा। क्या बात है भरभूति जी, आप एकदम फैट हो गए हैं। देखा विभू, कहा था ना इधर उधर मत खाया करो, मोटे होते जा रहे हो। बोल रही, मैं फिट हो गया हूँ, है ना भाभी जी? सही पकड़े हैं। भाभी जी, मैं एकदम फिट एंड फाइन हो गया हूँ। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ एंड क्वाइट चार्मिंग भी हूँ। और पालतू पति भी हूँ। पालतू नहीं, फालतू जी। कुछ नहीं, एक सेकेंड। हाँ शुक्ला जी बताइए। क्या फिर प्रोग्राम बदल दिया आपने? क्या कर रहे हैं आप? अच्छा बताइए फिर कब जाना है? आज ही जाना है?
ओहो अच्छा चलिए ठीक है ओके बाय। भाई क्या कह रहे हैं शुक्ला जी? विभू शुक्ला जी ने प्रोग्राम फिर बदल दिया, कह रहे हैं अब ग्रूमिंग सेशन मनाली में होगा। What? और मुझे तो आज ही निकलना होगा। Actually, I have a great idea. देखो तुम तो फिट एंड फाइन हो गए हो, तिवारी जी के पैर में चोट लगी है, मैं अंगूरी जी और लड्डू हम मनाली जा रहे हैं। है ना? हाय दिया, ये सही पकड़े हैं। मनाली जाएगा। हाँ। कैल्शियम की गोली असर कर गई, बिल्कुल ठीक हो गए, अचानक ठीक हो गए, चमत्कार हो गया, बिल्कुल ठीक हो गए। बिल्कुल ठीक हो गए। अरे अब मेरे सर पे गर्मी चल रही है अनु, आई नीड हिल स्टेशन, मुझे मनाली ले चलो, मनाली ले चलो, मुझे मनाली ले चलो, मनाली, आई नीड टू गो टू मनाली, मनाली मना। दरवाजा बंद कर लीजिएगा, एक कुत्ते आ जाते हैं अंदर। हाँ ठीक है। ओहो हाँ टिल्लू बोल। अबे अवस्थी को बोल हम आ रहे हैं यार, ऐसी भी क्या जल्दी है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ भाभी जी घर पर हैं? मैंने कहा भाभी जी, अरे मैंने कहा भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, दरवाजा चौपट खुला हुआ है, भाभी जी गायब, ये तो परेशानी होने लगी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, कोहरे की चादर लपेटे हैं, पानी में खुद को समेटे हैं, भाभी जी की कोयल सी आवाज और उसमें शावर से गिरता हुआ पानी रिदम बना रहे, ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय की पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना जिसके नीचे मंदाकिनी नहा रही और ये मंगल गीत गा रही है। काश काश कि ऐसा हो जाए, बस अभी जी ऐसे ही बाथरूम में नहाती रहें, तो मैं बाहर खड़ा होके उनका गाना सुनता रहूं बस। पूछ रहे कौन है? लगता है लड्डू के भैया दरवाजा खुला छोड़ के गए, कुत्ता गुस्सा आया। भाभी जी कुत्ता नहीं है, मैं हूँ। हदिया, how are you? I'm fine, भाभी जी आपकी दुआ है। हदिया, हम पूछ रहे हैं कौन है? You mean who are you? सही पकड़े हैं। भाभी जी मैं विभूति, विभूति नारायण मिश्रा। हदिया भरभूति जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बाहर जाइए, बाहर जाइए। जा रहा हूँ। ओके ओके, I'm going। तनिक रुकिए। भीगी भीगी रातों में, बोलिए भाभी जी। भरभूति जी, वो अलमारी में हमारा टॉवल रह गया है, वो बाथरूम के दरवाजे पर कुंडी पे लगा दीजिए ना। जी पानी में खुद को समेटे हैं। क्या
हमारी जीवन गाथा डायरी तो भाभी जी की है। इस डायरी में भाभी जी के जिंदगी के वो अनछुए पहलू कैद हैं जिनके बारे में मैं नावाकिफ हूं। ये तो पढ़नी पड़ेगी। अटावल रखा का? जी 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 रख रहा हूं। ठीक बा। अब जाइए। जी जी जा रहे हैं। जी, हम कभी आपके साथ गुस्ताखी नहीं कर सकते। अब देखो क्या लिखा है इसमें भाभी जी ने। हाँ, डेट 16 अक्टूबर 1995, भूरी हमारी बकरी, हम उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करती है। वो जब 2 दिन की थी तो उसको पिनोमिनिया हो गया था। भाभी जी, इट्स नॉट पिनोमिनिया, इट्स निमोनिया, पी साइलेंट है। यार ये बकरी वकरी के बारे में भाभी जी ने लिखा हुआ है। बसंती हमारी भैंसिया, वो हमरे बिना दूध नहीं देती थी, उसका दूध हम ही निकालते थे और कोई पास आता तो उसका सींग मार। वेल भाभी जी, इज ओनली टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। पर्वतिया हमारी गैया, लगता है भाभी जी का बचपना गाय भैंसों में बीता है। मतलब इंसान का कोई जिक्र नहीं डायरी में, कोई जिक्र नहीं है। जी लड्डू के भैया भी ना, कैसे बाबर भूति जी? बस भाभी जी, आपको देख लिया खुश हो गए। अनीता जी कैसी हैं? वो किसी को देख के खुश नहीं होती। अका बोले, एक्चुअली भाभी जी, बहुत दिनों से आपकी जुबानी कोई शायरी नहीं सुनी है, एक आज शेर हो जाए, मजा आ जाए। हाय भैया, का बात कर रहे हैं आप, शायरी सुनेंगे? अगर रोमांटिक हो तो और मजा आ जाए। ठीक बा, मर्स किया है भाभी जी, इट्स अर्स किया है। सही पकड़े हैं। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली के ऊपर बैठी मोरनी, लड्डू के भैया का जिसने दिल चुराया, हम है वो चोरनी। भाभी जी, आपकी सारी शायरी लड्डू के भैया के इर्द गिर्द घूमती रहती है बस। का है के ना, वो हमारी प्रेरणा है। भाभी जी, क्या है कि जिंदगी में और लोग भी हैं, उनको आप अपनी शायरी में इस्तेमाल कीजिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए। मैंने नोटिस किया है कि आपकी हर शायरी में लड्डू के भैया रहते हैं, शायरी उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आप क्या चाहते हैं कि अंगूरी की शायरी आपके इर्द गिर्द घूमे? हाँ तिवारी जी, आप, मैं बस आप ही से मिलने आया था, यू नो, एक्चुअली। वो सब छोड़िए, ये बताइए कि हमारी बीवी को क्या पट्टी पढ़ा रहे थे आप? मैं आपकी बीवी को पट्टी नहीं पढ़ा रहा था, उनकी आंखों जो पट्टी बंधी है वो खोलने की कोशिश कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास आप कर रहे हैं, मैं पट्टी क्यों पढ़ाऊंगा आपकी बीवी को? नहीं नहीं लड्डू के भैया, भरभूती जी हमको पट्टी नहीं पढ़ा रहे थे, वो तो हमारी शेर और शायरी सुन रहे थे। अंगूरी, इनके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो है, तुम क्यों इनके साथ टाइम पास करती रहती हो? जाओ अंदर जाओ। ठीक बा, हम जाते हैं। तिवारी जी, अब जो चाहे मुझे कह सकते हैं, लेकिन भाभी जी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं सुनूंगा, वरना। हैव अ गुड डे। वो तो अच्छा हुआ हम दरवाजा बंद करना भूल गए थे, वापिस आ गए, नहीं तो पता नहीं ये क्या पट्टी पढ़ा देता हमारी बीवी को। हम जा रहे हैं अंगूरी, और दरवाजा बंद कर लो, नहीं तो फिर कोई कुत्ता घुसाएगा। ठीक बा। क्या हो गया तुम्हें?
क्या हो गया? डार्लिंग गैस बन रही है, बहुत गैस बन रही है। ऐसे कैसे गैस बन रही है? तुम्हारे पेट में कोई गैस का प्लांट है जो हर वक्त गैस बनती रहती है? मजाक सुन रही है, गैस बन रही तो इस मेरे हाथ में तो नहीं है ना यार। अब बन रही तो बन रही है, आई कांट हेल्प इट यार, गैस ही तो बन रही है यार, कमाल करते हो। अच्छी, तुम्हारे मुंह में गैस है। मेरे मुंह में गैस है? जी, ये जो तुम इधर उधर अटरम शटरम खाते रहते हो ना, इसकी वजह से तुम्हें गैस बनती है। उसकी वजह से नहीं, मुझे गैस बन रही है स्ट्रेस से। आई एम स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड? तुम स्ट्रेस्ड हो? हाँ, लिख के तुम क्या, स्ट्रेस हूँ भाई, स्ट्रेस्ड हूँ। तुम मेरी वजह से स्ट्रेस्ड हो ना? मैं बिल्कुल अच्छी बीबी नहीं हूँ ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती ना? देखो, इट्स ओके। मुझे पता था सारी गलती मेरी है। सारी दुनिया में मैं लोगों को भाषण देती हूँ और अपने ही घर में मैं अपने पति को खुश नहीं रख पा रही। मैं तुम्हें स्ट्रेस देती हूँ, मैं तुम्हें खुश नहीं रखती। आई एम अ फेलियर। डार्लिंग, मैं क्या कह रहा था कि मेरी, मुझे बोलने का मौका तो दो। यू नो, इस पूरी दुनिया में यू आर द बेस्ट वाइफ, सबसे बेस्ट बीवी हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा वेल ड्रेस्ड हो, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तुमसे शादी करके मेरी लाइफ सेट हो गई है, एकदम सेट हो गई है भाई, सेट हो गई। एक मिनट, एक मिनट, तुम्हारा पेट इतना सख्त कैसे हो रहा है? मेरे पेट में ना गैस बन रही है। नहीं, तुमने कुछ वहां रखा हुआ है? अरे यार, मुझे सोडा लाके तो मेरे पेट में गैस बन रही है यार। मैं ट्रबल में, तकलीफ में हूं यार। मैं ला रही हूं। विभू सोडा ही नहीं है घर में। विभू भी नहीं है, कहां चला जाता है? क्या आदमी है ये, मुझे समझ में ही नहीं आता। एक्चुअली गलती सब उसी की। भाभी जी की आधी डायरी में भेड़ बकरियों का जिक्र है। कैन यू बिलीव दिस? कम ऑन भाभी जी, गिव मी सम स्कैंडल, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आई थिंक आई कॉल इट। भोजा हमरे बचपन का साथी हमरा। ये क्या लिखा है यार? ये ना दिख रहा है, आन मान जान, जान होगा, यस जान। हम भोजा से बहुत प्यार करते थे। ओह, भाभी जी को किसी से मोहब्बत थी। और भोजा हमको प्यार से लच्छो बुलाता था। लच्छो, नाइस नेम, लच्छो। हे लच्छो, हाय लच्छो, या। वो अक्सर हमको आम के बाग में झूला झुलाता था और खुद भी झूलता था। और गाना गाता था, ऐसी लागी लगन निरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। What an idiot, for God's sake, बेवकूफ का बच्चा। मतलब ऐसी सिचुएशन में आदमी को रोमांटिक गाना गाना चाहिए, और ये भजन गाता था। Come on, that's too धार्मिक, I guess. उसको लहसुन खाने का बहुत आदत था। वो लहसुन को मूंगफली की तरह खाता था। उसकी इस लहसुन खाने की आदत से हमको। ये क्या लिखा है यार? आर नार, आई थिंक प्यार, प्यार, यस प्यार लिखा है। विभूति, यू आर जीनियस, प्यार, यस प्यार। वो हफ्ते हफ्ते भर नहाता नहीं था, हम उसको मार मार के नहलाते थे। बड़ा कलीज मैन जी। और हम उसको पूछते थे कि तुम काहे नहीं नहाते हो, तो वो कहता था कि जब आत्मा साफ है तो बदन साफ करने की का जरूरत है। एकदम गलीज था यार, आदमी कैसे, हमें नाव के निस्ट है यार, बिना नहाए आदमी कैसे रह सकता है यार? वो कमीज के अंदर फटा हुआ बनियान पहनता था। That's interesting. और उसको और एक शौक था, उसको सांप पालने का भी शौक था। वो अपनी जेब के अंदर सांप लेके घूमता था। और उसने अपनी गुत्ती पर सांप भी गुदवाया था। भाभी जी भी पागल है, एक अजीब लड़के से प्यार कर बैठी। जब भी कहीं कोई गाना बजता था वो फौरन डांस करना शुरू कर देता था। और एक दिन भोजा हमको छोड़कर चला गया। सैड, वेरी सैड, बट अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ।
उसके फादर का ट्रांसफार्मर हो गया। अभी इट्स नॉट ट्रांसफार्मर, इट्स ट्रांसफर। सही पकड़े हैं। भोजा हमसे पिछड़ गया, लेकिन हमको आज भी भोजा का इंतजार है। काश कि वो हमको दोबारा मिल जाए। उसका शक्ल तो बदल गया होगा, लेकिन आदत ना ही बदला होगा। विभूति नारायण मिश्रा। कौन है बे? तेरा जमीर। क्या भाई, आए क्यों हो यार तुम यहां पे, क्यों आए हो? तुम इतने गंदे, इतने मैले कुचैले क्यों? पड़ोसी की बीवी पर नजर रखता है और मुझसे पूछता है कि मेरा जमीर इतना गंदा, इतना मैला कुचैला क्यों? वो तो ठीक है, लेकिन भाई आए क्यों हो? बेटा मैं ये बताने आया हूं कि पड़ोसी ने अपनी बॉल तेरे पाले में डाल दी, उसे भोजा का अभी तक इंतजार। तू भोजा क्यों नहीं बन जाता?